कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, तो आज हम चल रहे हैं लखनऊ और हम पहले से ही ट्रेन के लिए लेट हैं, तो चलते हैं अपनी सीट की तरफ। हमें सीट अलॉट हुई है अपर सीट, मुझे मोस्टली यही सीट अलॉट होती है। और ये है हमारे को पैसेंजर्स, एक छोटा बच्चा है, नीचे अंकल है। मोस्टली जब रात का समय है तो सभी सोए हुए हैं। मिलते हैं आपसे लखनऊ स्टेशन पर। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ। अभी हम पहुंच चुके हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। चारबाग स्टेशन है ये लखनऊ का। चारबाग रेलवे स्टेशन काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो अभी हम निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर। बाहर निकल के हमने देखा है यहाँ पे रबड़ी की बहुत सारी वैरायटी है, पेठा है, अलग अलग तरह का। आइए चलते हैं। हम पहुँचे हैं अब एक चाय की शॉप पर। यहाँ पर हमने एक कुल्हड़ में चाय ली है, बाकी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो चाय पीने के बाद हम सीधे निकल चुके हैं इमाम बाड़े की साइड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने आता है रूमी दरवाज़ा। ये आप सामने देख सकते हो, रूमी दरवाज़ा है और इसी दरवाजे के पीछे जस्ट है बड़ा इमाम बाड़ा। ये आप सामने देख सकते हो, ये है इमाम बाड़े की एंट्री गेट और ये आप देख सकते हो ये है रूमी दरवाज़ा। आइए चलते हैं अब बड़े इमाम बाड़े के अंदर, देखते हैं अंदर से कैसा बना हुआ है ये। बाहर से तो काफ़ी अच्छा है। फिलहाल हमें बड़े इमाम बाड़े में, ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे हमने टिकट लेके एंट्री कर ली है और इसके टिकट चार्जेस हैं 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ में आप देख सकते हो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, पिक्चर गैलरी और बाउली है, ये चीज़ों का कंबाइंड टिकट है यहाँ पे। टिकट लेके हमने एंट्री कर ली है। इमाम बाड़े के अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, तो अंदर की वीडियो बना नहीं पाए, तो उसी के पास में है बिल्कुल जस्ट भूल भुलैया। तो हम चल रहे हैं फिलहाल भूल भुलैया में। ये हम आ गए हैं भूल भुलैया के फिलहाल छत पे। तो यहाँ से आप ये सामने का व्यू देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। भाई मिला है भूल भुलैया घूमते हुए। इस भूल भुलैया में आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे रास्ते हैं, तो मोस्टली यहाँ पे अंधेरा ही रहता है। काफ़ी छोटे छोटे रास्ते हैं यहाँ पे और इसमें शायद से 2 फ्लोर हैं छोटे छोटे रास्तों से निकल के। क्या है बंदे इधर?
बंद है, इधर भी सब जगह बंद है। अब हम भूल भुलैया में खो गए, बंद है इधर भी, आ जा ऊपर ही चल रहे हैं। भूल भुलैया से निकलने के बाद हम सीधा पहुंच चुके हैं बावली। यहाँ पे बिल्कुल इस महल के बीचों बीच में एक तालाब कुआ बना हुआ है, ये सूखा हुआ था फिलहाल तो, और ये भी एक छोटी भूल भुलैया की तरह है। और अभी हम बड़े इमामबाड़े से बाहर आ चुके हैं और ये फिर से रूमी गेट है, और यहाँ से निकलते हुए हम सीधे जाते हैं क्लॉक टावर की ओर। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। ये है क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर से जब हम आगे निकले हैं तो हम जा रहे हैं सीधा पिक्चर गैलरी की ओर, और ये है हमारी पिक्चर गैलरी। इसमें भी फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है तो हम अंदर की वीडियो नहीं बना पाए। पिक्चर गैलरी के बाद हम चलते हैं सीधा छोटे इमामबाड़े की साइड में। ये छोटे इमामबाड़े का गेट है और यहाँ से हम अंदर एंट्री ले रहे हैं। अभी फिलहाल हम आ गए हैं छोटा इमामबाड़ा। इमामबाड़े के अंदर जो गार्डन है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, और जो इन गार्डन की शैली है ना वो है मुगल शैली। मुगल शैली में आप देख सकते हो इस तरह के गार्डन होते हैं। मोस्टली ऐसे गार्डन दिल्ली में भी हैं और काफ़ी अच्छे गार्डन है यहाँ पे। से निकल के हम सीधा पहुंच चुके हैं लखनऊ के मेट्रो स्टेशन पर। यह है चारबाग मेट्रो स्टेशन, और लखनऊ मेट्रो स्टेशन में काफ़ी मतलब साफ़ सफाई बहुत अच्छे बने हुए हैं यहाँ के स्टेशन। जो लखनऊ मेट्रो की शुरुआत थी या जो नींव डाली थी वो डाली थी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। अगर दिल्ली मेट्रो से कंपेयर की जाए लखनऊ मेट्रो की तो सेम ही है, कंपेयर में ऐसा कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे दिल्ली से थोड़ा रश कम है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं हजरतगंज, और यहाँ पे लखनऊ का सबसे फेमस मार्केट है हजरतगंज, और यहीं पर है जनपद मार्केट। आइए लेके चलते हैं आपको जनपद मार्केट के अंदर। लखनऊ शहर है ना वो चिकन के कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चिकन के कपड़े, आप काफ़ी सारी वैरायटी हैं अलग अलग। यह है हजरतगंज का रॉयल कैफ़े, ये जनपद मार्केट के बिल्कुल पास है, और यहाँ की जो बकेट चाट है वो काफ़ी फेमस है। तो हम दिखाते हैं आपको बकेट चाट कैसी है यहाँ पे। ये देख सकते हो आप, ये है आलू की टिक्की और ये है बकेट चाट। Thank you.
फिलहाल हम हजरतगंज मार्केट से निकले हैं और अब हम सीधा जा रहे हैं गोमती रिवर फ्रंट पार्क। तो ये गोमती नदी के किनारे पर काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है ऐसा सुना है हमने, अभी तक गए नहीं हम कभी भी वहाँ पे। और यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, यहाँ पे इसका टिकट है 20 रुपीज़। सुना तो बहुत था इस पार्क के बारे में, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, पर जब हम पहुँचे थे शायद यहाँ पे नेक्स्ट डे कोई फंक्शन था, इसी वजह से यहाँ पे लाइट्स वगैरह का कुछ काम चल रहा था तो पार्क में लाइटिंग कम थी। रिवर फ्रंट से बाहर आएंगे तो बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में पड़ेगा मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव से आप देख सकते हो ये पड़ता है काशीराम पार्क, ये आई थिंक पार्क नंबर 2 है क्योंकि पार्क नंबर 1 में हम गए थे वो आप देख सकते हो वीडियो के लास्ट में है, बने रहें वीडियो में। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और लेके चल रहे हैं आपको हम मरीन ड्राइव। जब हम बाहर आए हैं तो ये है परिवर्तन स्थल का द्वार, यह परिवर्तन चौक है आप जो देख रहे हो सामने, और जस्ट इसी की साइड में है चटोरी गली। वहाँ पे मोस्टली चटोरी गली में क्या है कि जितने फास्ट फूड है वहाँ पे एक रोड पे पूरा ही फास्ट फूड की शॉप्स हैं, आप देख सकते हो ये है चटोरी गली। शाम के टाइम पे मोस्टली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। चटोरी गली से सीधा निकल के हम जा रहे हैं काशीराम पार्क की तरफ, जो काशीराम स्थल है ये है चारबाग रेलवे स्टेशन के पास में है। चारबाग रेलवे स्टेशन से होगा लगभग 3 या 4 किलोमीटर। तो आइए लेके चलते हैं आपको काशीराम पार्क की साइड। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं काशीराम पार्क। पहुँच के हमने टिकट लिया, टिकट प्राइस है 15 रुपीज़। और देखिए ये पार्क बनवाया है मायावती जी ने, जो XCM रही है UP की। काफ़ी अच्छा बना हुआ पार्क है और देखिए ये पार्क जो है ना कपल फ्रेंडली है और इतना अच्छा काम किया गया है इस पार्क में, काफ़ी अच्छा। ये आप देख सकते हो जो मायावती ने हाथी के स्टैचू बनवाए थे, फ्लोरिंग का काम काफ़ी अच्छा है, पत्थर लगा हुआ है पूरे पार्क में, पत्थर लगा हुआ है इसमें आप देख सकते हो। और ये पार्क जो बना हुआ है ना 32.5 एकड़ 32.5 एकड़ में बना हुआ पार्क है ये। रिटर्न जर्नी में हमें हमारी फेवरेट साइड लोअर सीट मिली, हमारी क्या सभी की फेवरेट होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कोई सुझाव हो अगर आपका तो सुझाव, आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है।
ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।